क्या कहते हैं मेष राशि के सितारे, कैसा होगा मेष राशि का भाग्य, कौन सा होगा शुभ रंग, जाने आशुभाई गुरुजी से मेष राशि का भाग्य। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नीतू गुप्ता। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। हमारे इस खास कार्यक्रम में अब बात होगी राशियों की। जी हां, आने वाले दिन अलग अलग राशियों पर चर्चा होगी और आज पहला दिन है। ऐसे में मेष राशि के जातकों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक बार फिर से स्टूडियो में हमारे साथ गुरु जी मौजूद है। गुरु जी का कर लेते हैं स्वागत। गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे ज्योतिष के हिसाब से मेष राशि का क्या है हिसाब किताब, कैसी रहेगी आपकी राशि, क्या रहेगा आपका दिन। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जान लें कि मेष राशि सबसे अहम राशि है भाग्यों के हिसाब से, और इस राशि के यदि आप व्यक्ति हैं, चाहे आपका नाम जन्मपत्री के आधार पर है, चाहे आपका नाम बोलते हुए नाम के आधार पर है, आपका मेष राशि के आधार से जुड़ जाना ये बताता है कि आप थोड़े से जिद्दी किस्म के, थोड़े से लापरवाह किस्म के और अपने मकसद को कामयाब करने वाले जिद्दी इंसान रहेंगे। आपके जीवन में हमेशा इस तरह के योग बनते हैं जैसे आपने किसी बात को अपने दिमाग में सोचा और वो बात आपके दिमाग में आते ही आपने कार्य को शुरू कर दिया। आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, कपड़े पहनने का शौक रहेगा और नाम कमाने का शौक रहेगा। आपकी राशि में ज़्यादातर इस तरह की बातें हैं जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड मिल गई हों, और जो चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड मिलती हैं उनमें सबसे बड़ी बात है कि चाहे कुछ भी मिले, चाहे दुकान, चाहे घर, चाहे कोई चीज़, नौकरी, चाहे किसी खास किस्म की अहमियत, उसे आप बरकरार रखते हैं, आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं और आप में अपना आगे बढ़ने का दायरा बराबर बनता रहता है। यदि आपका नाम मेष राशि से है और आपकी पत्नी का नाम भी मेष राशि से है, तो इसका मतलब है आपके घर में नए नए शुभ कार्यों की झड़ी लगी रहेगी। और आप जानते हैं दोस्तों, कहते हैं मेष राशि वाले व्यक्ति हुक्मरान रहते हैं, किसी भी व्यक्ति को हुक्म सुनाने का एक शौक रहता है। ऐसे व्यक्ति यदि वकील, जज, कलेक्टर या कुछ खास किस्म के चीज़ होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपनी संतान को, अपने खानदान को रुतबे के तौर पर आगे बढ़ाने का बेहद शौक रहता है। तो ये मेष राशि के जातकों के लिए गुरुजी ने बताया, और आप लोगों को ये भी बता दें कि आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, आपके जो सवाल है गुरुजी से साझा कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, आप कॉल कीजिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या सवाल, क्या समस्याएं हैं गुरुजी से आप जरूर बताइए। तो कॉल कीजिए, जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि मेष राशि के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा आप कॉल कर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। गुरुजी आपको उपाय बताएंगे और उन उपायों को करके ही आपकी जो समस्या है जिंदगी की वो दूर हो सकती है। गुरुजी, मेष राशि, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि उनकी राशि कौन सी है, तो ऐसा भी होता है कि मेष राशि के जो लोग हैं उनके अलग अलग जो अक्षर हैं उससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये मेष राशि के हो सकते हैं? हाँ दोस्तों, मेष राशि वाले को ये नहीं पता कि उनकी राशि मेष है या नहीं है या क्या है, तो आप जान लो कि इसमें प्रथम जो है, सबसे अच्छा जो है वो ये है कि आप हमेशा नाम के आधार पर ही अपनी राशि देखें, और इसमें एक बात ये भी सोच लें कि आपकी राशि जो है वो सबसे अच्छी है, लेकिन आपकी राशि के साथ और क्या क्या है, जैसे आपके दुश्मन राशि कर्क राशि और सिंह राशि रहेगी, जैसे आपके मित्र राशि मिथुन राशि और मीन राशि रहेगी। आपके जीवन में तरक्की का उदय है, आपका जो भाग्य है अब चालू हुआ है। इस साल के दो महीने आपके लिए विशेष रहेंगे, और दोनों जो महीने हैं वो आपके अक्टूबर और नवंबर रहेंगे। इन दोनों महीनों में आपके कुछ बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपके जीवन में कुछ खास किस्म की चीज़ें आपको प्रभावित करेंगे, और आपके जीवन में आपके, हाँ एक बात और है, अगर आप जीवन में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, आप खास बनना चाहते हैं, तो आप मेष राशि वाले जगह पर रहें। जैसे
अगर आपका नाम मेष राशि से संबंधित है तो आप जिस जगह पर ही रहें वो जगह भी मेष राशि से संबंधित हो, तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में कभी भी कानून से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और बिजनेस से संबंधित ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी कि काम कभी ज़्यादा है कभी कम है, काम कभी है नहीं कभी बहुत ज़्यादा है। और आप हमेशा याद रखें किसी भी चीज़ में बढ़ चढ़ कर खुशियाँ ना मनाएं, ये साल आपको खुशियाँ मनाने के लिए अनुमति नहीं देता है। अगर आप इस साल में खुशियाँ मनाएंगे तो आपको कुछ दुखों का सामना करना पड़ेगा। आप किसी के कलेश में पैर ना अटकाएं, अगर आप किसी के कलेश में पैर अटकाएंगे तो आपका पैर फंस सकता है, आप खुद उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि इन दो की लड़ाई में आप अपना योगदान ना दें, आप उनके बीच में किसी खास किस्म के फैसलेदार ना बने। बिल्कुल, तो मेष राशि के लोग जो हैं उनको ये सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है जो गुरुजी ने आपको कहा। ऐसे में पहले दर्शक इस वक्त हमारे साथ गुरुजी जुड़ चुके हैं, शिव कुमार हमारे साथ पंजाब से हैं। शिव कुमार जी स्वागत है आपका, क्या सवाल है? सर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे में कुछ चीज ऐसे रहता है, ठीक नहीं है, बाकी मेरे दुश्मन बड़े बन रहे हैं, की गल है? भाई शिव कुमार साहब आपकी उम्र कितनी है? मेरी 65 है जी। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं लड़के। क्या काम करते हैं आप? दोनों आर्मी में जी। बहुत बढ़िया भाई, कहते हैं आर्मी में होते हैं तो बड़े घर में एटिकेट होते हैं, संस्कार होते हैं। हाँ जी होता है, संस्कार तो है जी। नहीं है, आपने तो नमस्कार भी नहीं किया, हम ही आपको नमस्कार कर देते हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार भले, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ आपने सेहत के संबंधी कुछ बात कही है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। हाँ सर, हाँ। गोड़ों में दर्द रहता है, तो आप बताएं आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5.5 फुट है। आप बताएं आपका चेहरा लंबा है या गोल है? मेरा लंबा गोल ही है। आप बताएं आपके आगे के मुंह के दांत हैं वो कुछ टूट गए हैं या साबुत हैं? मेरे उतने दांत पूरे टूट गए हैं। भाई देखिए आप पर तो बहुत समय से ग्रहों की चक्कर चल रहा है, और ग्रहों का चक्कर जब किसी व्यक्ति पर चलता है तो उसके पैर, उसके तलवे, उसके शरीर में अचानक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आप एक काम करें, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप किस चीज़ की पूजा करते हैं? मैं पूजा सभी शिवाजी शिव जी की। आप शिव जी की पूजा किसी मंत्र से करते हैं या कैसे करते हैं? ओम नमः शिवाय के गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो क्या आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति है जो भगवान शंकर की है, जो बैठे हुए भगवान हैं या खड़े हुए हैं, ऐसी कौन सी मूर्ति रखी है आपने? हाँ खड़े हैं भगवान जी। खड़ी मूर्ति नहीं रखनी है, ठीक है, सिलेंडर में है। हाँ जी ठीक है। आपने बैठे हुए भगवान की मूर्ति रखनी है, और ऐसे भगवान की मूर्ति रखनी है कि जो आपको आशीर्वाद दे रहे हों। जब आप पूजा करेंगे तो चाहे कोई भी मंत्र जपें, लेकिन आपने एक ताजा फल, एक फूल अवश्य रखना है, ठीक है जी। और उसके बाद कम से कम 108 बारी मंत्र जरूर जपना है, चाहे आप ओम नमो शिवाय जपें, चाहे आप गायत्री मंत्र जपें, चाहे भगवान शिव का कोई भी मंत्र जपें। अगर आप भगवान शिव का बीज मंत्र जपते हैं, जो महामृत्युंजय का बीज मंत्र है, तो उसके उससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है। आप उसे जपेंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आपके पास खुद आएगा। ठीक है। आपने अपने गले में एक 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। 12 मुखी रुद्राक्ष, हाँ, ठीक है। आपने काले धागे में पहनना है, सोमवार के दिन पहनना है, और पहनने से पहले 12 घंटे तक आपने उसको सरसों के तेल और गंगा जल में डुबो के रखना है। उसके बाद इसे साफ कपड़े से धोके अपने गले में डाल लें। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपके गले में दर्द होने लगेगा, छाती में दर्द होने लगेगा, और आपको सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप 12 मुखी मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा जी, हरिद्वार में हर जगह पे मिलेगा। आप किसी सही जगह से लें, किसी सुनार से लें, और आप इसको लेबोरेटरी टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि अगर गलत रुद्राक्ष हुआ तो वो रुद्राक्ष नहीं भद्राक्ष है, और उसका मतलब है कि वो फायदे की जगह में नुकसान कर रहा है। देखो अगर आपको फायदे की जगह नुकसान करेगा तो आप क्या करेंगे बताओ?
क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? हेलो, आपने देखा दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ, आपकी बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं मेष राशि पर। मेष राशि में अब हम आपको बता दें कि आपका खास रंग क्या है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में डिस्टेंपर कराना चाहते हैं या कि मुकम्मल तौर पर कपड़ा पहनना चाहते हैं, तो ध्यान रहे केसरी कलर जो सूरज जैसा रंग है, लाल रंग जो बिल्कुल रेड है, पोस्ट ऑफिस रेड है, और ख़ास तौर से गुलाबी कलर, इन तीन कलरों में आप विशेष ध्यान दें, ये आपके लक्की कलर हैं। और यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं, वो भी आप मेष राशि के हैं, तो आप एक गोल किस्म का मूंगा धारण करें, कम से कम 7-8 रत्ती का सोने में धारण करें। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका लक्की डे कौन सा है, अच्छा दिन कौन सा है, तो ध्यान रहे आपका लक्की डे है मंगलवार और शनिवार। आप जानना चाहते हैं कि आप किस समय में कोई शुभ कार्य करें, मेष राशि के व्यक्ति हैं, और यदि आप किसी शुभ समय की जानकारी चाहते हैं, तो वो शुभ समय आपके पास है सुबह 10:45 से लेकर 1:30 बजे तक, ये रोज का समय है जी। आप इस समय में आप अपने लिए कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, आपका शुभ कार्य आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, तो आप सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति को चंदन का तेल और किसी खास किस्म का जो सिंदूर है, जो हनुमान जी के रंग का है, उसे मूर्ति पर चढ़ाएं। ये उपाय महिलाएं ना करें, सिर्फ पुरुष के लिए है। और अगर आप पुरुष हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप हनुमान जी की सेवा करें, आपको अच्छी पत्नी मिलेगी जी। बिल्कुल, और ऐसे में एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, मन्नत पानीपत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। मन्नत, क्या सवाल है आपका? मैं मेरी राशि और मेरी माँ ज्यादा रहती है। हेलो मन्नत, आप अपना सवाल कीजिए। सर मेरी राशि क्या है? मेरी माँ ज्यादा रहती है। आपका पूरा नाम क्या है मन्नत? मन्नत खोकर। ठीक है, आप कितने साल के हैं? 10 साल की। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं बेटा आप? मैं 5वीं कक्षा में। ठीक है, आपको अपने गले में एक बढ़िया किस्म का पुखराज डालना है, छोटा सा 3 रत्ती का। आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल पड़ेगी और आपकी तरक्की बचपन से ही हो जाएगी। पीले रंग के धागे में डालना है, गुरुवार के दिन डालना है और गुरुवार की पूजा करनी है, किसी भी केले के पेड़ की पूजा करनी है या उपवास रखना है। अभी आप छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब रखना। आप ज़्यादातर बेटी अपने शरीर पर पीले रंग के कपड़े पहना करें, और आप हो सके तो सुबह सुबह के खाने में बिल्कुल हल्का भोजन करें, आपकी तरक्की होगी, कामयाबी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई में दिल लगेगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दोस्तों, चर्चा चल रही है, हम आपको बता रहे हैं मेष राशि के बारे में। बिल्कुल, और ऐसे में गुरु जी, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, वो मेष राशि के जातक है, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? हाँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि यदि आप मेष राशि के हैं और जॉब आपके पास नहीं है, चलिए आपको जॉब पर लगा देते हैं। आपको करना क्या है, किसी भी ऐसे पौधे की सेवा करनी है जिस पर कोई भी पत्ता नहीं लगा हुआ, सूखे पेड़ के नीचे आपने एक जल डालना है, वो भी एक लोटा भर के, और वो भी सूखे लोटे से, जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी का हो या किसी का भी हो, और उस जल को दोनों हाथ से पकड़कर आप पेड़ के जड़ में डालें और प्रणाम करें उस जड़ को, उसके नीचे जो भी घास उगेगी अच्छा होगा, आपके जॉब लग जाएगी। आप पीली दाल बुधवार रात को चने की दाल पानी में भिगोएं और सुबह सुबह उसे गाय को खिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं, आपकी जल्द जॉब लग जाएगी और अच्छी वाली लगेगी। कहते हैं दोस्तों, बेरोजगारी जो है अपने मन को, आपकी आत्मा को, सब चीज़ को खा जाती है। बेरोजगारी ऐसी होती है जो सबसे पहले हमारे दिमाग को टेंशन देती है। बेरोजगारी ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हम बेरोजगार होते हुए भी अपने आप को बहुत ही अटपटा सा, अपाहिज सा महसूस करते हैं। अब दोस्तों, मेष राशि के लोग, उनके लिए मैं बताता हूँ
जो शारीरिक तौर पर बीमार रहते हैं, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और आप मेष राशि के व्यक्ति हैं, तो आप पानी में थोड़ा सा दूध डालकर, एक चम्मच दूध डालकर नहाया करें और कोशिश करें कि सुबह सुबह किसी भी प्रकार का चंदन, जो सफ़ेद चंदन है, उसका माथे पर लेप करें। ऐसा दो तीन दिन करेंगे, चाहे आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, आपको राहत मिलेगी। और लाल रंग का चंदन कपूर के साथ जलाकर अपने कमरे में जहां आप सोते हैं उसकी धुनी दें, आप देखेंगे आपको सांस से संबंधी प्रॉब्लम, आपको बुखार से संबंधी प्रॉब्लम और आपके शरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के दर्द को आपके राहत मिल रही है। बिल्कुल। और ऐसे में गुरुजी, जो मेष राशि के जो जातक है, अगर उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश रहता है, उनको भी कोई खास उपाय करने की जरूरत है? हाँ दोस्तों, अगर आप मेष राशि से संबंधित हैं और आपके घर में अक्सर कलेश रहता है और आपके घर में मन नहीं लगता है, या आपके घर में घुसते ही महाभारत शुद्ध हो जाती है, तो महाभारत शुरू होते हैं तो आप क्या करें, आपको रोज अपने घर में एक नारियल पर थोड़ा सा कपूर और दो लौंग जलाकर अपने घर में घुमाना चाहिए। आप इस प्रक्रिया को करते हैं, ये उपाय करते हैं, तो आपके घर में शांति और सुख मिलते हैं। जान रहे, अगर पति पत्नी में झगड़ा होता है तो ये करना है, और अगर आपका झगड़ा बच्चों से होता है तो आपने दखनी मिर्च, कपूर और उपला लेकर दोनों को जला के कपूर की सहायता से अपने बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में और अपने डाइनिंग रूम में आपने जलाकर धुआं देना है। जी। कहते हैं दोस्तों, कलेश जो है मन की स्थिति को खराब करता है। कहते हैं दोस्तों, कलेश जो होता है आदमी को अपनी जो राशि है, अपनी जो हिम्मत है, अपने काम की सब जगह से गिरा देता है। जी। और यदि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं और राजनीति में आपका परचम है, तो ध्यान रहे, ये परचम बड़ी जोर से लहराने वाला है, और आप इस राशि के व्यक्ति हैं तो अपने गले में एक मूंगे की माला डालें, मूंगे की माला डालें, मूंगा रतन की माला डालें, जो कम से कम 62 मोतियों की होनी चाहिए। यदि आप ऐसी माला पहनते हैं तो आप हमेशा विजयी रहेंगे और हार का डर आपको कभी सताएगा नहीं। यदि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं और इंडस्ट्रियल हैं, उद्योगपति हैं या कोई भी अपना व्यापार करते हैं, तो ध्यान रहे, आपने अपने गले में एक मोती एक मूंगा, एक मोती एक मूंगा सोने में ऐसी माला बनवा कर अपने गले में धारण करें। सोमवार के दिन आप देखेंगे, आप उद्योगपति तो हैं ही, लेकिन आप अरबपति भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उमा नोएडा से हैं। उमा जी, क्या सवाल है आपका? गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपने हल्दी की माला बताई थी, तो मेरी बेटी 31 साल की हो गई है जी, तो उसकी शादी का ही है, उसकी शादी नहीं हो रही है। गुरुजी 31 साल की हो गई, हो चुकी है, जनवरी में 32 की पूरी हो जाएगी, तो हमें पूरा बताइए और हमारा कैसा रहेगा, मेरी बेटी का कैसा भविष्य रहेगा? अपनी बेटी का पूरा नाम बताएं। आशा सिंह। आशा सिंह कितने साल की हैं? आशा नहीं, आशना। आशना सिंह जी, कितने साल की हैं आशना सिंह? वो 31 साल की पूरी हो गई है, 32 में चल रही है। सबसे पहले तो एक बात जान लो, इसका नाम गलत है, क्योंकि इसके नाम से आप शादी का कार्ड छपवाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नाम के पीछे ना नहीं होना चाहिए। आसना, ना का मतलब है सब चीज में नकारात्मक चीजें आ गई, तो आप इसकी शादी के उससे, एक तो इसको किसी को भी ये नाम नहीं बताएंगे कि इसका नाम आसना सिंह है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी बेटी को डेली रूटीन का कोई काम बताएंगे कि पूजा करनी है तो एक ही समय में करनी है, ये नहीं कि कभी 6 बजे कर ली, कभी 11 बजे कर ली, कभी कितने बजे कर ली। और दूसरी बात यह है, जॉब करती है गुरुजी वो? हैं? जॉब भी करती है? नहीं, जॉब तो करती है, अच्छी बात है, लेकिन आप पूजा का टाइम एक रखें। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, इसका सब कुछ तो ठीक है, आप बताएं रिश्ता क्यों खराब होता है, क्या घर की वजह से? नहीं गुरुजी, रिश्ता हुआ है अभी, कहीं नहीं, कोई देखने वाला नहीं, इसके पापा बीमार रहते हैं तो वो जा नहीं सकते, मैं अकेली हूँ, ये अकेली बेटी है। अच्छा। तो यही चक्कर है, कोई बता ही नहीं रहा है, कह रहे हैं बताएंगे बताएंगे बताएंगे, लेकिन अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है। तो आप टीवी वगैरह में ऐड दो, अखबारों में ऐड दो, बहुत सारी चीजें आजकल, तो
नहीं, ऐसा कोई बताने वाला ही नहीं गुरुजी, अच्छी जगह कोई मिल ही रही है। आप कितनी अच्छी जगह चाहते हैं मुझे बताएं। तो आप ही बता, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होगा गुरुजी, जो किस्मत में होगा। आप बताइए कैसा रहेगा इसका भविष्य गुरुजी। भाई भविष्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप कब ढूंढोगे नहीं तो बात बनेगी कैसे, मुझे बताओ। गुरुजी आप हमें बता दीजिए हम कहाँ कैसे कैसे जाएं, क्या करें। ठीक है, shaadi.com में दें आप। अच्छा, और एक यंत्र लें हमारे से, जो पुत्री विवाह के लिए एक यंत्र है, उसकी आपकी बेटी को रोज पूजा करनी है। अच्छा, कहते हैं आपने हल्दी की माला ही बताई थी, वो पहन रखी है क्या बिटिया ने? नहीं अभी नहीं पहनी है, अभी मंगाएंगे उसको जब वो पहनेगी। कब मंगाएंगे, जब और एक साल हो जाएगा? नहीं नहीं गुरुजी, आ जाएगी, वो ऑर्डर दे दिया है, आज या कल में आने वाली है। 60 रुपए की आएगी, ज्यादा की नहीं आती वो, 250 रुपए की गुरुजी। ये महंगी दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसे गंगा जल से धो के बिटिया के गले में डालेंगे। अच्छा, कौन से दिन? बृहस्पतिवार के दिन। अच्छा, और रोज माला को हाथ में लेके ये धारण करेंगे कि मेरी जल्दी शादी करा दो गुरुजी, और मेरी शादी अच्छे घर में करा दो। अच्छा, जहाँ मैं सुखी रहूँ। अच्छा, आप समझ गए मेरी बात को? जी। और रात को अपने तकिए के नीचे आप बिटिया जो है एक ग्रीन कलर के कागज के ऊपर अपना लकी नंबर लिखेगी। अच्छा, वो लकी नंबर, इसको डेट ऑफ बर्थ से निकालना होगा, टोटल करने के बाद जो नंबर निकलेगा वो इसका लकी नंबर होगा, 1 से लेकर 9 के बीच में, वो काली स्याही से काले पेन से लिखकर अपने तकिया के नीचे रखेगी। अच्छा, जल्दी से विवाह हो जाएगा, अच्छा विवाह हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे विवाह के लिए आपको खोज करनी जरूरी है। अच्छा, कहते हैं देखिए गुरुजी आशना, तो फिर अब तो शादी का सब कोई आशना के नाम से जानते हैं, फिर कैसे करेंगे? अब ये देखो जी, ये नाम गलत है, आसना के नाम से आप एक रिश्ता ढूंढ सकते हैं, लेकिन बाद में कहना कि ये नाम बच्ची का जो है चलता हुआ नाम है। इसका बचपन का नाम मोहमीता था, वैसे बचपन का जब इसका नामकरण हुआ था तो उस टाइम इसका नाम मोहमीता था। वो अच्छा था, वो क्यों आपने खराब कर दिया पता नहीं। अब वैसे हम लोग बंगाल के रहने वाले हैं, तो गुरु जी हमारा कैसा भविष्य रहेगा? आपका या आपके पति का? मेरे पति के साथ ही मेरा जुड़ा हुआ है। बेटी का सही रहेगा गुरु जी? बिल्कुल, आप कहीं टिकने तो दो, मैं इधर जाता हूँ तो आप कहते हैं ये बताओ। सॉरी गुरु जी। नहीं, एक का पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद दूसरे का पूछ लो। गुरु जी, हाँ मैं पूछ रही गुरु जी, बेटी मेरी बहुत सुखी रहेगी, खुश रहेगी? आप बेटी से मेरी बात करा दो अगर है तो। बेटी नहीं गुरु जी, आज चली गई जी, मैं करवा दूंगी फिर। ठीक है, आप फिर करा देना, आपका तो फोन वैसे लगता ही रहता है, आप तो किस्मत वाली हैं। और गुरुजी कैसी रहेगी मेरी बेटी की? मुझे बेटी की चिंता ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारे बेटी के जीवन में ना संघर्ष बहुत है, इसके काम में हर काम में संघर्ष लिखा है। अच्छा, कोई भी काम इसका आराम से नहीं होगा, इसकी शादी भी होगी तो वो भी संघर्ष से होगी, जैसे पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, और एक और बात है, आपके पास हर इंतजाम होते हुए भी आपको लगेगा कि मजा नहीं आया, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी शादी होगी फिर भी आपको लगेगा और अच्छी हो सकती थी। अच्छा अच्छा, एक आपकी बेटी ना सोचती ज्यादा है, टेंशन में ज्यादा रहती है, काम काज ज्यादा देखती है ना। हाँ, पढ़ी लिखी है मेरी बेटी, बहुत काबिल है, बहुत अच्छी है, काबिल है, हर चीज में तेज है, पैसे जोड़ने की मास्टर है, कपड़े पहनने की शौकीन है, और एक बात है, जिस तरह का पति चाहती है वो भी ऐसा ही चाहती है कि शुरू से वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अच्छी उसकी हिम्मत हो, जैसे कहते हैं कि वेल सेटल हो। अच्छा, ऑफिसर टाइप चाहती है वो, अच्छा ऑफिसर टाइप। हाँ, तो ऑफिसर वेल सेटल हो गया ना, अब ये है ना कि एक अगर आप एक ऑफिसर चाहती हैं तो वो भी तो ये चाहेगा कि मैं भी अपनी पत्नी ऑफिसर चाहूँ, यही तो बात है ना कि दोनों हाथ से ताली बजती है, और दोनों हाथ से ताली जब बजती है जब एक जैसी पोजीशन हो, घर की स्थिति ठीक हो। जी दोस्तों, आज का जो समय है बहुत संघर्ष से भरा हुआ है। जी, आज की डेट में ये कहें कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, शादियों में है। कैसे ठीक होंगी, हमसे जुड़िए, हम करेंगे आपके विवाह को ठीक, चाहे कैसे भी। बिल्कुल, और ऐसे में आज मेष राशि के जातकों के बारे में हम बात कर रहे थे। आज इस खास एपिसोड में बस इतना ही, गुरुजी आप आए, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और लोगों को ये उपाय बताया। तो चलिए आज इस खास पेशकश में बस इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।